हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूही एंड वेलकम टू वार्म्थ ऑफ पैलेट। पास्ता बनाने से ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट लगता है वो है पास्ता बॉईल करना। तो आज मैं आपको बताऊंगी हाउ टू बॉईल पास्ता परफेक्टली। लेट्स स्टार्ट। तो पास्ता बॉईल करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पानी को बॉईल कर लिया है। ये पानी बॉईल हो चुका है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट, और साथ में हम इसके ऐड करेंगे ऑयल। अब पास्ता जो है मैं यहाँ ले रही हूँ 1 कटोरी, और पानी जो लिया है मैंने यहाँ पे वो है लगभग 2.5 कटोरी। ये 1 कटोरी पास्ता मैंने लिया है और ये इसमें। अब इसको अच्छे से मिक्स करके मैं इसको ऐसे ही खुले में 5 से 7 मिनट तक पकने दूँगी। नाउ अब आप पास्ता का, अगर मैं एक पास्ता निकाल के देखूँ और अगर आप इसे टच करेंगे तो ये सॉफ्ट है, लेकिन ये गला नहीं है बिल्कुल भी। ये अभी भी इसमें कसर है। ये अराउंड 70% कुक हुआ है। तो अब इसी स्टेज पे हम लोग क्या करेंगे, मैं इसको कवर कर दूँगी और गैस को ऑफ़ कर देंगे। और गैस को ऑफ़ करने के बाद इसी तरह से मैं इसे 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही ढके रहने दूंगी। अब फिर हम खोलेंगे इसे। सी, दिस इज़ डन नाउ। और अब मैं इसको निकाल लूँगी। अब आप देख सकते हो कि मेरा एक भी पास्ता टूटा हुआ नहीं है, और ये तब तक नहीं टूटेगा जब तक मैं इसे ओवर कुक ना कर दूँ। अगर ये पास्ता ओवर कुक होता तो अभी तक ये टूट चुका होता है। सी, नाउ दिस इज़ डन। अगर मैं पास्ता उठाऊँ और इसे मैं अगर इसे दबा के देख रही हूँ तो ये बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, टूटने वाला होना चाहिए, लेकिन टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो दैट मीन्स आपका ये पास्ता डन है। और अगर आपको लगता है कि आपका पास्ता ओवर कुक हो गया तो आप इसे सीधा निकालते ही ठंडे पानी में से एक बार निकाल लीजिए, ताकि इसकी कुकिंग वहीं के वहीं रुक जाए। और अगर आपको लगता है कि मेरा पास्ता एकदम ठीक बॉयल हुआ है और मैंने इसे अभी के अभी यूज़ करना है, तो आप इसी तरह से इसको रहने दीजिए। नाउ बॉयल द पास्ता एंड मेक योर फेवरेट फ्लेवर विथ एनी पास्ता। आई सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू टेक केयर एंड गुड बाय।